टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 हुई हुई है, तो इसलिए सब अपने ना कपड़े झाड़ रहे हैं कि हमारे पे ना आए। आपका कोच ये कर रहा है कि वो बाबर आजम को लिखी लिखाई टीम दे रहा है, स्क्रिप्टेड कैप्टनसी हो रही है, मिकी आर्थर लिखकर चीजें देते हैं। 13 तो किसी ढाबे वाले को भी कह दो, वो भी बता देगा कि पासिंग में 13 क्रिकेटर कौन से हैं। फखर जमान चाहे अंडा 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 डॉट अंडा लगाए, वो टीम से बाहर होता ही नहीं। मैं हथौला नहीं रख रहा, बल्कि तुम हाथ ही नहीं रख रहे। आपके साथ क्रिकेट शायक एग्री कर रहे हैं कि फखर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए अब जो वो कर रहे हैं? क्या चुप? मुझे 25 लाख रुपए दे, मैं निकाल देता हूँ। 25 लाख इंजमाम ले रहा हीरे से कटिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सनाउल्ला खान और आप देख रहे हैं पाकटीवी.tv। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब ताबिज साहब और अहमद असीब। आज तीन खास खबरें हैं कि इंजमामुल हक ने कहा है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही, खासकर जब भारत से पहले मैच के लिए वो वहाँ पर गए भी थे और टीम मैनेजमेंट के साथ भी कुछ डिस्कशन हुई और जराए से ये बात चली कि शायद वो चाह रहे हैं कि जो फाइनल 11 है उसके ऊपर भी उनका आउट इनपुट जो है वो लिया जाए। और दूसरी अहम खबर के कैंप से अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स फिट हैं। मोहम्मद हारिस के अलावा सब ने आज ट्रेनिंग सेशन किया और खूब पसीना बहाया। और सबसे अहम और ख़ास बात कि आईसीसी ने पाकिस्तान की तरफ से जो कंप्लेन की थी अभी तक उस पर चुप सा दी और जराए के मुताबिक आईसीसी पर कोई एक्शन भी नहीं लेने वाला है। तो इंजमाम की खबर पर हम पहले चलते हैं। तभी जी कैसा लग रहा है आपको इंजमाम साहब चाह रहे हैं कि उनकी इनपुट हो जो टीम मैनेजमेंट के फैसले होते हैं उस पर भी? देखें सनाउल्ला, ऐसा कभी हुआ नहीं और पाकिस्तान के इंतहाई मौत पर साफ़ी मॉर्निंग शो में ये कह चुके हैं कि जब इंजमाम गए उधर भारत कि जब इंजमाम लोग भारत गए टीम को मिलने के लिए तो उनको वाज़े मैसेज दे दिया गया कि जनाब आप अपना काम कर चुके, अब हम अपना काम करेंगे, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और साथ अगर ये अफवाहें चल रही हैं कि इंजमामुल हक जो हैं वो रिज़ाइन देने जा रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं जो आप बता रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये समझता हूँ कि जो बड़े दिनों से ज़का अशरफ पर तलवारें लटक रही हैं, हर कोई ख़तरे में है और मुझे पता है कि इंजमामुल हक के जो तल्लुकात हैं वो बराह रास्त किस पार्टी से हैं। तो फिर अगर ये खबर सच्ची है तो फिर वो वजह नहीं है जो आप बता रहे हैं, वजह वो है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 हुई हुई है, तो इसलिए सब अपने ना कपड़े झाड़ रहे हैं कि हमारे पे ना आए। कोई चाहेगा कि मुझ पे तो तमाम तर जो क्रिटिसिज्म हो वो मुझ पे हो। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि तलवार किसी पर लटक रही है, लेकिन तलवार अगर लटक रही है तो वो तलवार तब चलेगी जब वर्ल्ड कप ख़त्म होगा। वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग ऐसा सच कोई चीज़ नहीं होने वाली। और इंजमामुल हक का विद ड्यू रिस्पेक्ट हिम, जब उन्होंने स्क्वाड पिक किए तो उन्होंने उनको बैक किया, एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस हुई उसको बैक किया, फिर नसीम शाह वाला हसन अली वाला मामला, तमाम तर जो इस पूरे स्क्वाड को इस पूरे इशू को इंजमामुल हक बैक करते हुए नज़र आए। मुझे ऐसा लगता है कि इजराय से ये खबर आ रही है कि शायद इंजमाम माजरत कर लें। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को कहा है कि यार अगर मेरे मुताबिक नहीं है ना तो फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एग्जैक्टली, देखिए शायद वो कर दें बट मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप के खत्म होने का इंतजार किया जाए। सही है। तो तभी सब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर क्या इतना असरअंदाज होता है कि वो यहाँ, मैंने ऐसा देखा कि कोच कम चीफ सेलेक्टर हो, जैसे मिसबाउल हक थे कि वो चीफ कोच भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे, तो ऐसे में तो जाहिर है वो फैसले खुद ही करेंगे कि फाइनल 11 में कौन से उतरनी चाहिए। बट मैं ज़्यादातर पर ये समझता हूँ कि चीफ सेलेक्टर को जब टीम पहुंची हुई है तो उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, उनको तो यहाँ ट्रॉफी में देखने चाहिए मैचेस के अंदर के भाई कौन से अच्छे लड़के हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ के लिए स्क्वाड आपको तश्कील देना, आपके फास्ट बॉलर अभी भी कम है और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एक दो और चाहिए, आपको नहीं लगता उनका तो जाना ही नहीं बनता वहाँ पर? देखिए जो आप एथिकली बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, मगर सम टाइम बंदे को एज अ मेंटोर भी भेजा जा सकता है टीम को, जैसे मोटिवेट करने के लिए कई दफ़ा कई बड़े बड़े नाम जो हैं बतौर मेंटोर भेजे गए कि जाकर, मगर इनको मेंटोर थोड़ी भेजा गया ना भाई, वो तो चीफ क्या कर रहा है, आपका टीम डायरेक्टर क्या कर रहा है अगर इंजमाम को आप मेंटोर? आपका कोच ये कर रहा है कि वो बाबर आजम को लिखी लिखाई टीम दे रहा है, इसका मतलब स्क्रिप्टेड चीज़ें हो रही हैं सारी। तो जब सरफराज अहमद, मैंने पिछले एपिसोड में क्या कहा था, जब सरफराज अहमद कप्तान थे तब भी मिकी आर्थर 11 लिख कर देते थे, जब मिसबाहुल हक कप्तान थे तब भी मिकी आर्थर 11 लिख कर देते थे, और अब भी यही सूरत हाल यकीनन हो चुकी है। और आप कहते हैं कि टीम का मोराल ठीक है,
मैं इस बात नहीं, अगर वो लिख के देते हैं, अगर वो लिख के देते हैं तो भाई कप्तान कहे ना क्रिकेट बोर्ड को, चीफ सिलेक्टर बीच में क्या कर रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है? अगर आप ठीक है स्क्रिप्टेड कैप्टनसी हो रही है, मिकी आर्थर लिखकर चीजें देते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मेंटोर इंजमाम वहाँ पर गए, इंजमाम चीफ सिलेक्टर का काम मेंटोर का क्या है? वो डोमेस्टिक देखे, काइज़म ट्रॉफी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट करें, ऑलरेडी आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है, कोई निकालें कोई हीरा। हाँ जी तुम कटो कोई रहा भाई, मैं मेरा काम, मुझे 25 लाख रुपए दे मैं निकाल देता हूँ, 25 लाख इंजमाम ले रहा हीरे ऐसे कटिए गलत है तेरी वजन वाली। वैसे इंजमाम को तो इसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं ना कि भाई आप डोमेस्टिक में क्रिकेटर देखें और निकाल के दें टीम को। आप ये चाय वाला खड़ा है हमारे साथ, ये इधर कवर कैमरा करें, इस चाय वाला को हम कहते हैं कि पाकिस्तान के ना 13 खिलाड़ी निकाल दें, 13 वो भी दे देंगे आपको, 2 क्रिकेटर्स का ही मसला बनता है जो आपने निकालने होते हैं, 13 तो किसी ढाबे वाले को भी कह दो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान के 13 क्रिकेटर कौन से हैं, मसला 2-3 का ही होता है और वहीं पर आपकी कारीगरी समझ में आती है भाई मेरे। और यहाँ पर जो मेन इशू है कि जब टीम हारेगी तो बातें होंगी, बातें होंगी तो कोई नहीं चाहेगा कि क्रिटिसिज्म मुझ पर आए, और मे भी वर्ल्ड कप के बाद आपको चीज़ें बदलती हुई नजर आएं, अगर रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो नॉट ओनली इंजमाम बहुत से लोग जाएंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ। भाईजान आप मुझसे आज लिखवा लें, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं गलत हुआ दोबारा कभी स्पोर्ट्स में बोलूंगा नहीं, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के 13 लिख के दे देता हूँ, ये 13 पक्के हैं टीम में ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर, ना हो तो बात करिएगा, किसी से भी पूछ रहे जो पाकिस्तान में क्रिकेट देखता है वो भी लिख देगा आपको। अच्छा ऊपर वाले 3-4 ही देने होते सिलेक्टर ने जिसने, बल्कि एक्चुअली में निकालना होता है। अब आप चुप कर गए हैं क्योंकि ना अब मुझे पता है आप जरा हथौड़ा रख रहे हो, ऐसा नहीं होना। देखें सनाउल्ला बात ये है कि मैं हथौड़ा नहीं रख रहा, बल्कि तुम हाथ ही नहीं रख रहे, तुम होले दी गल कर रहे हो। आज फंस गए तावी साहब, आज हमारे साथ फंस गए तावी साहब। जैसे आपने कहा कि मैं इंजमाम पर खुलकर नहीं बोल रहा, अब याद आया, ये वजह भी हो सकती है कि जो हम पाकिस्तान का अगला मैच हो उसमें इमामुल हक को रेस्ट दिया जाना मकसूद हो। मे बी, क्यों उनको रेस्ट क्यों देने, परफॉर्मेंस नहीं देखनी? किसकी परफॉर्मेंस? इमामुल हक की। तो रेस्ट देकर थोड़ी परफॉर्मेंस देखनी है, खिला के देखेंगे ना। तो हो सकता है ना उसको बाहर बिठाना हो तो इंजी भाई नाराज हो जाए। चले अच्छा, इंजमामुल्लाह के मैटर के बाद आप थोड़ा पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ अच्छी चीजों के बारे में ये बोले ना, इनके इंजमाम का सवाल पूछना है, चुप कर देंगे। ओके ओके, दैट्स इट दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़े, इंजमाम के ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हैं? या जुबान बंदी है आपकी? नहीं मेरी जुबान बंदी बाबा नहीं है। अच्छा बोलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या माजी में मेंटोर नहीं भेजे गए? तो मेंटोर गए हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी गया कि चीफ सिलेक्टर रोल डिफरेंट था उनका रोल। वो एज ए चीफ सिलेक्टर ये नहीं ही कहेंगे कि ये 11 खिलाओ, ठीक है? तो मैच डालने गया है वो, क्या मैच डालने गए हैं वो? जब एक काबिल एहतराम, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि चीफ सेलेक्टर है ना, अगर टीम का कैंप लगा हुआ है तो उनका कोई हक नहीं बनता वो जाएं, अगर जब तक कोच या कप्तान ना उनको बुलाए कि भाई आएं और क्रिकेटर्स थोड़े मुश्किल में, आप इनको गाइड कर दें, ठीक है वो बड़े नाम है, मगर उनका लॉजिक नहीं बनता कि कैंप के अंदर जाएं और क्रिकेटर्स के साथ इंडिविजुअल गुफ्तगू करें, अंटिल नॉलेज क्रिकेटर उनके पास ना जाए या हेड कोच उनको ना बुलाए या फिर क्रिकेट बोर्ड ना उनको कह दे, खुद बतौर चीफ सेलेक्टर उनका जाना बनता नहीं है, ना ही उनका ये बनता है कि फाइनल 11 में कौन कौन से होने चाहिए। हाँ जी, ऐसा कोई गया भी नहीं है। मैं वैसे बताया आपको, जो हेड कोच थे मिसबा वो एज ए चीफ सेक्टर भी थे, तब वो जाहिर है वो हेड कोच थे तो इसलिए वो इंटरफेयर्स करते थे, अदरवाइज उनका बनता नहीं है। खैर बैक टू द सेकंड पॉइंट, आईसीसी को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेन की कि भाई अहमदाबाद का क्राउड जो है उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसके ऊपर बहुत कल भी हमने बात की, मगर आईसीसी खामोश है और उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, कि अब वो बीसीसीआई को कहें कि जनाब अपने बंदे ने समझाओ पाकिस्तान के मैच के ऊपर ये काम किया है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उस पर। देखिए पूरे क्राउड को कोई संभाल भी नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, और जो होम क्राउड होता है वो ऐसी चीज़ें करेगा। नहीं नहीं, इस पे तो हम कल बात कर चुके ना, अब क्रिकेट बोर्ड का, अब क्रिकेट बोर्ड का क्या रिस्पॉन्ड होगा? कोई है? कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब इस ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आईसीसी चुप करता है इसके ऊपर, पीसीबी को कोई ठोस जवाब नहीं देता, तो ये सारी बातें तो लास्ट एपिसोड में कर चुके। क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए फिर? अब क्रिकेट बोर्ड को सब कुछ पता है, उनको करना क्या चाहिए अब? जो वो कर रहे हैं क्या? चुप। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब दोस्तों अगले एक पॉइंट की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट कैंप से अच्छी की खबर कि स्वाय मोहम्मद हारिस जो विकेटकीपर बल्लेबाज है और रिजर्व के अंदर एक्चुअली में, उनके अलावा सब ने ट्रेनिंग की है, खासकर जमान खान
अब्दुल्ला शफीक और शाहीन अफरीदी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चेस्ट इन्फेक्शन है और न जाने वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। जुमान भी वैसे रिजर्व में, मगर दो खास क्रिकेटर उन्होंने आज भरपूर पसीना बहाया, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। आपको खुशी मिली है इस चीज़ से? अब्दुल्ला शफीक ने आज ठीक ठाक ट्रेनिंग की है, शाहीन अफरीदी पूरी स्विंग के साथ मतलब अपने रिदम के साथ बॉलिंग डाली है उन्होंने। देखिए सर, आप उस एक साल सीनियर हैं फील्ड में, फील्ड में उम्र में ना समझिएगा, उम्र में मेरे ना दादा बू के साथ बैंटे खेलते रहे हैं। मलक जिस तरह क्या उस जमाने का जो तो चपेड़ा ना जंग होंगी। हाँ जी, हाँ जी, उसी जमाने दे जी। तो बात दरअसल ये है मेरे भाई के मैं बात वही करूंगा। मेरी बेगम से आप पूछ सकते हैं कि जब टीम मैदान में उतरती है बॉलिंग के लिए, तो मैं पहले बता देता हूं कि ये आज किस मूड में है, ये जीतने के मूड में है या बस या सिर्फ अनिंग पूरी करनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अगर तो टीम जज्बे के साथ उतरी, अगर तो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जल नज़र आए, अगर तो खिलाड़ी जैसे मैं टिपिकल वर्ड इस शो में यूज़ कर रहा हूँ, अगर टीम वज के आई, तो फिर इस टीम को कोई नहीं रोक सकता, फाइनल तक कोई नहीं रोक सकता। भाई अब शहीन फार्म में नज़र आ रहे हैं वैसे, और अब्दुल्ला शफीक का बल्ला भी आज नेट के ऊपर तो खूब बोला है, वैसे मैचेस में भी अच्छा बोल रहा है। बाबर आजम, मैं फिर कहूंगा कि बस अल्लाह करे कि टीम में इत्तफाक और इत्तेहाद रहे। दाबी साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि एक होकर खेलना पड़ेगा, टीम का जेल होना बहुत जरूरी है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑन द फील्ड होती है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिनाइन करती है कि आप किस तरह का खेल खेलने की कोशिश करेंगे, आपकी अप्रोच क्या है। गुड साइन है फाइनली कि शाहीन शाह आफरीदी फुल फिट में और फुल रिदम में, इनफैक्ट उन्होंने गेंदबाजी की और उनके साथ साथ जमान खान गो के रिजर्व में, लेकिन अच्छा साइन है कि आपका बेंच भी ठीक ठाक मतलब अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहा है। और अब्दुल्ला शफीक के आने से, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि आप ओपनिंग को छेड़ें, बड़े अरसे बाद एक ऐसा ओपनिंग का मसला था जिसका कोई जवाब मिला है, जिसका कोई सलूशन आया, तो अब्दुल्ला शफीक का फिट होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम में एक इफेक्ट आएगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगी इस चीज़ से। हालांकि अभी भी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बट यू नेवर नो। ताबी साहब वाली बात के अगर एक होकर खेलेंगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग। जो अब बेंगलोर में आप खेलेंगे तो फखर जमान ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि आपको तेज़ खेलने वाला ओपनर चाहिए और अब्दुल्ला शफीक को आप नहीं छेड़ेंगे। मैं पहले कह चुका हूँ, एमाम की पिछले 6-7 इनिंग्स में मैच देख रहे हैं, अगर वो परफॉर्मेंस देख ले 6-7 मैचों में, तो सिर्फ 150 मतलब भाई फखर और इमाम की दोनों की परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क है, ठीक है ना। और अगर 19-20 दोनों का फर्क है, तो चॉइस आपकी फखर होनी चाहिए ना कि इमाम। तभी साहब से एक सवाल पूछूंगा कि पिछले 6-7 मैचेस में फखर की परफॉर्मेंस भी वैसी ही है और इमाम की भी वैसी है, मतलब 19-20 का फर्क है, तो फिर क्यों फखर को ड्रॉप किया गया और क्यों इमाम खेला? मैं हमेशा फिर वही बात, कुदरत का निज़ाम समझ लें या कुदरत का करिश्मा समझ लें, फखर जमान चाहे आंडा 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 डॉट आंडा लगाए, वो टीम से बाहर होता ही नहीं। उसकी एक इनिंग की ज़रूरत है और उसके बाद वो पकड़ा नहीं जाएगा। फिर कह रहा हूँ कि उसकी ऑफ साइड लॉक हो चुकी थी जो अब खुल चुकी थी, और बाकी फिर इमामुल हक आपने जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का कि परफॉर्मेंस इमाम और फखर की एक जैसी ही है, फिर क्यों फखर को निकाला गया और क्यों इमाम को नहीं, क्या वजह, या क्या टीम की प्लानिंग ऐसी है, मतलब क्या वजह है? देखिए, रमज़ान शरीफ में सहरी तक बाबर आजम के घर कौन कौन क्रिकेट खेलता है टेनिस से, ये भी हमें देखना होगा, रिश्तेदारियाँ भी देखनी होंगी, दोस्तियाँ भी देखनी होंगी। और मैं तो कई खिलाड़ियों पर उंगली उठा सकता हूँ कि ये क्यों खेल रहा है, ये क्यों खेल रहा है, ये क्यों खेल रहा है। इमाम का अपने से आए, इधर आए, कोई बात नहीं। हाँ जी, बात काट रहा हूँ जी, कि आप इसी चीज़ से नोट कर लेना, आप लोगों ने एक हमारा कौमी कैप्टन है, हमारा कौमी कैप्टन है बाबर आजम, हम उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ दिन पहले सही नहीं रही थी, आप लोगों ने देखा ही है, वो कई सीरीज़ ऐसी हुई थी जिसमें हमारी ट्राई सीरीज़ थी, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसने भी एक मैच में वो उसको चांस दिया था कि वो चला था, लेकिन इस तरह ही हम अगर फखर जमान के साथ करते हैं कि उसको बार बार चांस देते हैं, तो डेफिनेटली फखर जमान एक बहुत अच्छा बैट है, वो कौमी टीम का एक हीरो है, उसने आप लोगों को चैंपियन बनाया है। मेरी जगह बैठ जाए। नहीं, आप अभी चेयर लेने साथ में लेने, तो आप कह रहे हैं फखर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए? चाहिए, देखें आप अगर चीफ आपके साथ
अगर आप क्रिकेट शायक एग्री कर रहे हैं कि फखर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, अगर आप चीफ सिलेक्टर हैं तो आपको ये नहीं बनता कि आपका भतीजा खेलना चाहिए, आपको टीम देखनी चाहिए। लेकिन वो चीफ सिलेक्टर जब नहीं भी थे तब भी इमाम तो खेल रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए ना, ये ना हो कि यार भतीजा खेले और जो अच्छा क्रिकेटर है उसको आप बाहर निकाल दें। अब एवरेज भी तो देखें ना, एवरेज कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, सारा देखना पड़ता है। अब एकदम से आप फखर को बाहर निकाल देंगे ये तो गलत बात है। तभी साहब ऐसे आम लोग जो है ना, ये कई बार इमाम भी कह चुके हैं, अब आ जाओ, कई बार इमाम भी कह चुके हैं कि यार मुझे बड़ा सुनना पड़ता है, पर्ची पर्ची वाली मामला बड़ा सुनना पड़ता है, तो आम लोग भी यही समझते हैं कि यार इंजमाम हैं तो इसलिए इमाम खेल रहे हैं। अदरवाइज उनकी वैसे एवरेज भी इतनी बुरी नहीं है, बट एट द मोमेंट मुझे भी ये लगता है कि यार फखर को होना चाहिए शायद। कल मैंने मिश्रा सा पढ़ा था, उसका आपने मतलब नहीं पूछा था मुझसे कि सर्कस का जहां और है, इंटरनेशनल का जहां वो मुझे लगा कि आप जो क्वेटा के अंदर मैच हुआ था, नुमाइशी मैच जिसमें इफ्तिखार ने 6 छक्के लगाए थे, तमाम लीग्स को तमाम लीग्स को सर्कस समझता हूं। यही टीम अल्लाह करे जीते, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ है, अगर ये टीम टॉप फोर में ना आई कुछ भी नहीं होगा, चंद दिन बाद यही लोग लीग्स में पीएसएल दुबई में होगी और वहाँ पर ये छक्के चौके मारते नजर आएंगे, सर्कस शुरू हो जाएगी और हम फिर उठाकर कंधों पर बिठा लेंगे। हम तो लाइलग सी कौम है मेरे भाई। सही बात है। तो दोस्तों ये ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम था, तीन अहम मौजू के ऊपर, और इनके ऊपर राय थी हम ताबी साहब की, अहमद असीफ साहब की, और मेरा भी कुछ इनपुट था। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। हम तीनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।